Hello and welcome students. Today we are going to solve some questions based upon the previous topic like represent root x geometrically. So here is our first question, that is example question, represent under root 4.3 geometrically on the real line. So I am going to solve these questions under our solution part with step by step, and you try to learn it by step by step. Okay, so let us solve this question. First of all, in a step first, step one, draw a line segment AB equal to 4.3 सेंटीमीटर. जितना अंडर रूट में हम लोगों को ज्योमेट्रिकली प्रूफ रिप्रेजेंट करना होता है उतना सेंटीमीटर का हम लोग लाइन खींच लेते हैं. यहां पे हम लोगों ने यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर को माना है, तो अंडर रूट 4.3 को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे. So draw a line segment AB equal to 4.3 centimeter. That is A to B 4.3 centimeter. And produce it to C such that BC equal to 1 सेंटीमीटर. और यहां A से B ड्रॉ करेंगे AB और फिर इसको प्रोड्यूस कर देंगे और 1 सेंटीमीटर. सो B टू C हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. ये तो टोटल लेंथ हमारा कितना हो गया, AC इक्वल टू, देयरफॉर AC इक्वल टू 4.3 प्लस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब नाउ इन स्टेप टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एसी. AC as O, or find the midpoint of AC and represent it by it by letter O. तो हमारा O जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एसी के मिड पॉइंट को, ना कि एबी के, है ना. तो ये एसी के मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये कैसा होगा, तो देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5.3 बाय 2 सेंटीमीटर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 × 4 2 × 6 = 1 बचेगा, 1 × 3 आएगा, 2 × 6 = 12 1 बचेगा, 2 × 5 = 2.65 सेंटीमीटर का. यानी O से A का लेंथ 2.65 सेंटीमीटर, O से C का लेंथ 2.65 सेंटीमीटर. नाउ स्टेप थ्री में हम लोग क्या करते हैं कि taking O as center and OA equal to OC as radius,
रेडियस ड्रॉ अ सेमी सर्कल तो हम लोग क्या करते हैं कि ओ को सेंटर लेके और इतना रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ओ को सेंटर मान के यहाँ पे हम लोग कंपास का निडिल पॉइंट रखेंगे और यहाँ पेंसिल होगा, इतना रेडियस होगा और इस तरह से ओसी हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नाउ इन स्टेप फोर ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर एसी इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। यहां पे हम लोग प्रोट्रैक्टर के हेल्प से कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं बट प्रोट्रैक्टर इज कन्वीनियंट, सो प्रोट्रैक्टर से बी पॉइंट पे प्रोट्रैक्टर को रख के और 90 डिग्री जहां पे बनेगा वहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। और सपोज कि ये सेमी सर्कल को इस पॉइंट पे काटता है, इंटरसेक्ट करता है, तो इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया डी। सो बी डी परपेंडिकुलर एसी, एसी हमारा लाइन सेगमेंट हो गया और बी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, सेमी सर्कल के ऊपर, और ये जो है डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हमारा। नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का टेकिंग बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग और इंटरसेक्टिंग यू कैन से इंटरसेक्टिंग एसी प्रोड्यूस्ड टू ई। और ये हम लोग क्या करते हैं कि B को सेंटर मान के और इतना रेडियस लेके यहां पे B पॉइंट पे हमारा कंपास का निडिल होगा और D तक उसको ले जाएंगे, पेंसिल वाले भाग को स्ट्रेच करेंगे और यहां से इस तरह से हम लोग आर्क ड्रॉ कर लेंगे और ये आर्क लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया E। तो इस तरह से AC को आगे प्रोड्यूस किए E तक। तो Taking B as center and BD as radius, draw an arc cutting or intersecting AC produced to E. Thus, BD equal to BE equal to under root 4.3. ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा और इस तरह से हमारा ये जो है 4.3 को रिप्रेजेंट करेगा बीडी और इससे जो आर्क ड्रॉ किए तो ई पॉइंट जो है ये पॉइंट हमारा रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट 4.3 को ई पॉइंट, यानी कि ई पॉइंट
जो है वो रियल लाइन के ऊपर अंडर रूट 4.3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि अंडर रूट 4.3 का एग्जिस्टेंस है और ये रियल लाइन पे एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट हमारा ई है। तो इस तरह बीडी या बीई। अब सवाल उठता है कि बीडी इक्वल टू बीई कैसे होगा, तो बिकॉज कि हमने बी को सेंटर माना है और यहां पे ये जो आर्क ड्रॉ किया है तो आर्क का सेंटर से डिस्टेंस दोनों तरफ इक्वल है, तो बीडी इक्वल टू बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोगों ने इसका प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस पार्ट में देखा कि कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली सॉल्व करते हैं और उसका प्रूफ देखा, और इस क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। तो इस तरह उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से अब समझ गए होंगे और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू।